है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हमारे विश सीरीज के न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में सेकेंड पॉइजन दैट इज द अल्फेन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात किया था कपिलो के बारे में, जिसमें हम लोग ने उसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की थी अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस। उसी प्रकार आज भी हम लोग क्या करेंगे, जो अल्फेन पॉइजन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स हमें लिखने हैं इन द एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे उसमें क्या क्या बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, मॉर्फोलॉजी, टॉक्सिक पार्ट्स, टॉक्सिक प्रिंसिपल्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की किस तरह से बेसिकली इसके फेटेलिटी वर्क करती है इन द बॉडी आफ्टर द कंजप्शन, एंड देन इसके फेटल डोज क्या है, इनके फेटल पीरियड क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स, देन मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है अल्फेन पॉइजनिंग की, एंड देन पीएम अपीयरेंस किस तरह से होता है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करेंगे, एंड देन थेरापेटिक डोज, एंड लास्ट में फॉर्मुलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फेन के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अल्फेन का बोटानिकल नेम है बेसिकली पैपावरम सोमनीफेरम, एंड ये बिलोंग करता है विद द पैपावरेसी फैमिली एंड आता है इन द अल्फेन कुल। ठीक है, सिंपल है, पैपावर सोमनीफेरम इसका बोटानिकल नेम है, तो ये पैपावरेसी फैमिली में आता है एंड देन अल्फेन है, अल्फेन ही कुल में आता है। ये किस तरह का पॉइजन है, तो बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। इसके कुछ सिनोनिम्स की बात करेंगे तो इसको हम लोग अफीम, अफूक या फिर नाक फेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द अल्फेन के बारे में। तो बेसिकली जो अल्फेन का प्लांट होता है ये एक एनुअल हर्ब है जो कि ग्रो करता है अप टू 1.5 मीटर। ठीक है, 1 to 1.5 मीटर टॉल होता है बेसिकली अल्फेन का जो प्लांट होता है जो कि एनुअल हर्ब है। एंड इसका जो लीव्स रहते हैं ये कैसे रहते हैं, लार्ज रहते हैं, ऑबलोंग टू ओवेट देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ डीपली लोब्ड रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, डीपली लोब्ड, एंड जो लीव्स रहते हैं ब्लूइश ग्रीन, हल्के कैसे रहते हैं, ब्लूइश ग्रीन, आप इमेज में भी देख सकते हो कि हल्के क्या है, ब्लूइश ग्रीन देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स की बात करें तो इनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, सोवी होते हैं। यहाँ पे फ्लावर्स जो दिया है इसमें कैसे देखा है कि जो फ्लावर्स है इसके कैसे रहते हैं, थोड़े बड़े रहते हैं इन द साइज एंड वेरी इन कलर। टिपिकली कैसे कलर्स रहते हैं, व्हाइट, पिंक, पर्पल या फिर रेड, ये फोर कलर्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं अल्फेन के फ्लावर्स। और इनके फ्लावर्स में 4 to 6 पेटल देखने को मिलता है। ये जो फ्लावर है इसमें कितने पेटल्स है, 6 पेटल्स है। तो 4 to 6 पेटल्स बेसिकली इन एवरी फ्लावर ऑफ द अल्फेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फ्रूट्स की। तो जो फ्रूट होता है ये कैसा होता है, राउंड होता है, स्मूथ कैप्सूल लाइक होता है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉड बोलते हैं। ये जो फ्रूट है इसका ये कैसा है, पॉड लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको पॉड कहा जाता है। एंड सीड की बात करें तो बेसिकली इसके सीड एकदम स्मॉल होते हैं एंड देन किडनी शेप्ड होते हैं और वेरी करता है इन कलर फ्रॉम व्हाइट टू ग्रे, ब्लू और ब्लैक। तो सीड कैसे देखने को मिलता है, सीड बेसिकली कैसे होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, राउंड एंड किडनी शेप देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में वेरी करते हैं, बेसिकली व्हाइट भी हो सकते हैं, ग्रे, ब्लू या फिर ब्लैक भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज द टॉक्सिक पार्ट ऑफ द अल्फेन। तो इसमें बेसिकली जो ओपियम एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम देयर फ्रूट उसी को हम लोग क्या मानते हैं, पॉइजनस मानते हैं। एंड इस ओपियम एक्सट्रैक्ट में बेसिकली कुछ टॉक्सिक प्रिंसिपल्स रहते हैं जैसे कि मॉर्फिन, कोडिन एंड पैपावरिन। एंड देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ये जो हम लोग ने टॉक्सिक प्रिंसिपल देखे इनके किस तरह से एक्शन रहते हैं हमारी बॉडी पे, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो अल्कोलाइड रहता है अल्फेन में ये क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है पेन पाथवेज इन द सीएनए एंड कॉजेस यूफोरिया। ठीक है, ये क्या करता है, जो पेन पाथवेज है हमारे सीएनएस में उसमें मॉड्यूलेशन कॉज करता है एंड देन यूफोरिया कंडीशन कॉज करता है। यूफोरिया मतलब कि कुछ समय के लिए क्या होता है, एक रिलीफ लाइक कि अच्छे कंडीशन में है, एक पेन रिलीफ देता है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या करता है, सेडेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन कैन ऑल्सो लीड टू द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड डिपेंडेंस विथ प्रोलॉन्ग्ड वीज। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है कि जब अल्फेन का कंजप्शन होता है तो ये क्या करता है, पेन पाथवेज को मॉड्यूलेट करने की वजह से कुछ समय के लिए क्या करता है, अच्छी फील प्रोवाइड करता है, पेन रिलीफ देता है, सेडेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करता है। एंड अगर ज्यादा समय तक यूज करने लगे धीरे धीरे क्या होगा, इसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, फिर लोग क्या करने लगे, बार बार इसको यूज करने लगे, मतलब एडिक्शन कॉज कर देता है। तो इस तरह से इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलते हैं आफ्टर कंजप्शन। बात करते हैं फेटल डोज ऑफ द अल्फेन की। तो जो ओपियम है इसका फेटल डोज अबाउट 2 ग्राम होता है जो कि क्रूड ओपियम है। अगर वहीं पे मॉर्फिन है तो उसका 200 मिलीग्राम एंड देन कोडिन है तो 50 मिलीग्राम
एंड अगर इसके टिंक्चर की बात करें तो टिंक्चर अगर एडल्ट्स में देखें तो 10 ml तक फेटल होता है, एंड अगर चिल्ड्रेंस में देखें तो 1 to 3 drops भी क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है। तो इस तरह से इसके फेटेलिटी देखने को मिलते हैं। तो इसकी फेटेलिटी पीरियड कितनी है, 45 मिनट से 12 आवर, मतलब कि खाने के बाद 45 मिनट के बाद ये अपना क्या करता है, इफेक्ट शो करने लगता है, एंड विद इन द 12 आवर्स इट कैन कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग की साइंस एंड सिम्टम्स किस तरह से देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जो अगर हाइफेन की किसी ने टॉक्सिसिटी की है तो इसमें 3 स्टेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, यूफोरिया कंडीशन आता है, देन स्टेज ऑफ स्टूपर आता है, कुछ भी बड़बड़ करने लगता है, एंड देन लास्ट में आता है स्टेज ऑफ नेक्रोसिस। तो इस तरह से 3 स्टेज में हमें क्या देखने को मिलता है, साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। बात करते हैं कि जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट है उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो बेसिकली इंक्रीज्ड सेंस ऑफ वेलबींग, जैसे मैंने बोला था कि यूफोरिया कंडीशन की ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वो कंडीशन देखने को मिलते हैं। फिर इंक्रीज्ड मेंटल एक्टिविटी, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें थॉट्स आने लगती हैं, रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है पर्सन में, हेलुसिनेशंस, उसको कोई भी चीज अचानक से दिखने लगती है, फ्लशिंग ऑफ फेस एंड पाल्पिटेशन, ये सब क्या होता है, पहले स्टेज में देखने को मिलता है इन द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। सेकेंड आता है दैट इज द स्टेज ऑफ स्टूपर, तो इसमें हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड गिडीनेस, ये सारी कंडीशंस अराइज होती हैं। बात करते हैं थर्ड स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे प्यूपिल्स का कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है, एंड देन फॉल इन बॉडी टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, यहीं पे साइनोसिस एंड देन चीनी स्ट्रोक ब्रीदिंग, मतलब प्रोलॉन्ग रेस्पिरेशन, फिर कुछ समय के लिए रेस्पिरेशन रुक जाता है फिर वापस से, तो ये देखने को मिलता है इन द चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग। तो ये सारे कंडीशंस हमें देखने को मिलते हैं इन द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द ऑफेन पॉइजनिंग। बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, अगर किसी ने ओपियम पॉइजनिंग की है तो इसे में किस तरह से मैनेज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जिसने भी ओपियम पॉइजनिंग की है उसको तुरंत जितनी जल्दी हो सके क्या करे, गैस्ट्रिक लिवाज दे विद द पोटेशियम पर मैगनेट, एंड देन उसके बाद जो भी कन्वल्जन्स आ रहे हैं उन कन्वल्जन्स को मेंटेन करने के लिए डायजापाम या फिर लोरेजापाम दे, एंड देन बीटा ब्लॉकर्स दे इन केस ऑफ द टैकीकार्डिया, अगर टैकीकार्डिया कंडीशन देखने को मिल रही है वहां पे बहुत ज्यादा, तो उसको तुरंत क्या प्रोवाइड करें, बीटा ब्लॉकर प्रोवाइड करें। एंड इसके साथ साथ वहां पे जो भी सपोर्टिव मेजर्स है जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए। इसके मैनेजमेंट में लास्ट आता है दैट इज द यूज ऑफ एंटीडोट। एंटीडोट में बेसिकली नैलोक्सोन और नैलॉर्फिन देना चाहिए, जो क्या करता है, जो भी इफेक्ट रहते हैं मॉर्फिन के या फिर जो भी ओपियम के इफेक्ट रहते हैं उनको मिनिमाइज करने का काम करता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ओपियम पॉइजनिंग की मैनेजमेंट करते हैं। बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस के, कि अगर किसी की डेथ हो गई है ओपियम पॉइजनिंग के थ्रू तो क्या क्या उसमें अपीयरेंस रहेगा इन द बॉडी। तो यहाँ पे साइंस ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलेगा, जैसे कि हम लोग ने साइंस एंड सिम्टम्स में बात की थी कि यहाँ पे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, चीन स्ट्रोक ब्रीदिंग देखने को मिलता है, तो इसके वजह से साइनोसिस कंडीशन जनरेट होती है जिसके वजह से साइंस ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलेगा। फिर जो नेजल सिम्टम्स है उसमें अल्सरेशन एंड परफोरेशन देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्नॉटिंग करते हैं पर्सन इसका, तो उसके वजह से क्या होता है, नेजल सेप्टम में क्या होता है, अल्सरेशन आते हैं। फिर मल्टीपल स्कार्स मार्क्स देखने को मिलते हैं एट इंजेक्शन साइट, कुछ लोग क्या करते हैं इसको इंजेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, इंजेक्शन के बहुत सारे स्कार्स देखने को मिलते हैं, एंड साथ ही साथ हिपेटिक नेक्रोसिस इन कोका पेस्ट स्पीकर्स देखने को मिलता है, एंड लास्ट में आता है दैट इज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंडीशन भी अराइज हो सकती है इन द क्रॉनिक पॉइजनिंग। आगे बात करते हैं इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट की, तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है एज एन ड्रग ऑफ एब्यूज, लोग इसको क्या करते हैं यूफोरिया कंडीशन जनरेट करने के लिए, टेम्पररी रिलीफ पाने के लिए क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ इसके वजह से क्या होता है, जो बॉडी रहती है डिकम्पोज हो जाती है रैपिडली, एंड एक्सीडेंटल डेथ जो रहते हैं इसके वजह से कॉमन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें ओवरडोज या फिर एडल्ट्रेशन की वजह से एक्सीडेंटल डेथ देखने को मिलती है। और जो प्रोस्टिट्यूट्स रहते हैं ये क्या करती हैं, प्लेस करते हैं जो कोकेन सॉल्यूशन रहता है इनटू देयर वजाइना टू प्रोड्यूस द लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन एंड कॉज इंटॉक्सिकेशन। तो जो प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं ये क्या करते हैं, कोकेन का सॉल्यूशन अपने वजाइना में पुट करती है, जिसके वजह से वहां पे वो क्या करता है, लोकल कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, एंड इसके वजह से क्या होता है कि कभी कभी इसके ओवरडोज हो जाने की वजह से या प्रोलॉन्ग यूज की वजह से उनमें भी क्या होता है, इंटॉक्सिकेशन कंडीशन अराइज हो सकते हैं। तो ये सारे मेडिकल लीगल एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द ओपियम पॉइजनिंग। आगे हम बात करते हैं दैट इज द थेरापेटिक डोज की, कि ओपियम जो है उसको किस तरह से थेरापेटिक कंडीशन में या फिर क्लिनिकल कंडीशन में यूज किया जाता है।
तो ओपियम जो है उसके जो प्यूरिफाइड रेजिन है उसको 30 to 125 मिलीग्राम की क्वांटिटी में यूज किया जाता है। देन जो चूर्ण आता है दैट इज द पाउडर उसको 1 to 2 ग्राम के क्वांटिटी में, एंड जो सीड रहता है इनके पाउडर्स को हम लोग बेसिकली 2 to 5 ग्राम, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं क्वांटिटीज में एंड डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन में यूज किया जाता है फॉर द थेरापेटिक पर्पस इन केस ऑफ द क्लिनिकल कंडीशन। फॉर्मुलेशन की बात करें कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मुलेशन है योग है जिसमें हम क्या करते हैं ओपियम का यूज करते हैं, तो इसमें आता है निद्रोदय रस। निद्रोदय रस में बेसिकली जिनको निद्रा नहीं आ रही होती उसके लिए यूज करते हैं, तो ये क्या करता है यूफोरिया कंडीशन जनरेट करने की वजह से जो भी पेन रहता है उसको रिलीफ देता है, तो उसकी वजह से आराम से नींद आती है। और ये क्या है सोमनीफेरिक है, तो इसके वजह से इसका निद्रोदय रस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। उसी तरह अस्तक्षारी गुलिका, फिर त्रिवंग भस्म, कर्पूर रस, ग्रहण कपाट रस, त्रिविक्रमा रस, अग्निकुमारी रस और विसूचिका वटी, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है फॉर्मुलेशन में हम ओपियम पॉइजन का यूज करते हैं। तो ये था हमारा टोटल ओपियम पॉइजनिंग के बारे में, जिसमें हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की, जैसे कि उसके इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट, उसके फेटल डोज, फेटल पीरियड एंड उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देन थेरापेटिक डोज एंड फॉर्मुलेशन। तो इस तरह से हम टोटली क्या कर रहे हैं जो भी पॉइंट्स हमें एग्जाम में लिखने हैं यूनिवर्सिटीज में सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे थर्ड न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियोज रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।